ये देखो फ्रेंड्स, आज मेरी मम्मी बना रहे हैं चिकन का सालन। तो चिकन का सालन बनाने के लिए सबसे पहले तो ये बात नहीं बोले। अच्छा, परिस्ता का बाजू, कांदा, हरी मिर्ची, एड़ारे, ये बना के रखे हैं। लेकिन इसको बाद में बताएंगे इसको करना क्या है। अभी यहाँ पर कांदा और हरी मिर्ची जो है ना, इसको फ्राई होने के लिए रखे हैं। यहाँ पर चिकन धोकर रखे हैं। ये कितना किलो चिकन है? आधा किलो पानी निकाल, आधा किलो चिकन है। ये आधा किलो चिकन का रेसिपी बता रहे हैं। हाफ के जी चिकन, अब इसमें क्या डाल दिए? पट्टा, एक मिनट, देखो, एक लवंग, पट्टा, दालचीनी, दो इलायची, तीन लवंग, ये जाति पत्री, थोड़ा जावित्री, हरी मिर्ची, कांदा, यह थोड़ा ऐसा फ्राई हुआ। इसका पानी पूरा मैंने निकाल लिया। तो क्या करने का? थोड़ा स्लो कर दी, टाइम नहीं है अभी, थोड़ा सा हल्दी, मिर्ची डेढ़ चम्मच, छोटा चम्मच, तो ज़्यादा मिर्ची नहीं डाल दी। मिर्ची है ना, अपने टेस्ट के हिसाब से डालना फ्रेंड्स। ये लोग तो बहुत ज़्यादा टेस्ट खाते हैं, तो इसके लिए ये लोग ने डेढ़ चम्मच डाले। डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर, 100 ग्राम दही है। मिक्स करूँ क्या इसको? चम्मच से मिक्स करेंगे, तेरे बच्चे को देखना पड़ता है ना। पूरा उसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। एक चम्मच, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें, एक चम्मच इसमें डाल, आधा चम्मच फ्राई में, हरी मिर्ची, कांदा, अदरक लहसुन का पेस्ट, लौंग, इलायची, दालचीनी, एक जावित्री, इतना डाल के फ्राई कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा कांदा सब थोड़ा फ्राई होने के बाद अच्छा स्मेल जाना चाहिए। मिक्स कर देंगे अच्छे से। हाँ, छोटा था वो मसाला, कांदा, हरी मिर्ची सब भून के है ना, वो मसाला भून के इसमें डाली मैं। ये सब पता, ये मेरे को छोटा पड़ा इसे, और थोड़ा दो तीन मिनट, पाँच मिनट इसे अच्छा हिलाना, हिला के पानी ये वाइट होना चाहिए, वाइट होके फिर देखा। दस मिनट हो गया, वो ऐसा पूरा तेल ऊपर आने तक भूनना चाहिए। वो जो कांदा, हरी मिर्ची, लौंग, इलायची, दालचीनी सब जो भून रहे थे ना, उसको भी इसमें हम लोग ने डाल दिए। वो डालते वक्त बता नहीं पाए थे, थोड़ा सा यहाँ पर बच्चे में मैं बिजी हो गई थी। मिर्ची, धनिया, हल्दी पाउडर इतना डाले, डाल के ऐसा 10 मिनट हो गया भूनने का, भून के अच्छा तेल ऊपर आने तक पानी ये वाइट अच्छा थोड़ा पाविसा पक जाता है। ये मुर्गी, मुर्गी भी पक जाता, पकेंगे तो इसका टेस्ट है ना अंदर जाएंगे। अभी थोड़ा नमक डालने का, नमक नहीं डाली मैं अभी, नमक डालना, नमक के हिसाब से डालो। थोड़ा देर हिसाब से डालो नमक, हमारे हिसाब से हम डालते हैं अपने अपने टेस्ट के हिसाब से। मिर्ची भी अपने अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालना, जितना तीखा आप लोग खाते हो। हरी मिर्ची, अदरक लहसुन, मिर्ची, धनिया, हल्दी पाउडर, नमक, इलायची, दालचीनी, लौंग, जावित्री, कांदा, ये सब डाल के अच्छा तेल टूटने तक भुनने का, अच्छा भुनो, भुनने तो ये हल्का हो जाना चाहिए। ये चिकन, इसमें बटाटा भी डाल सकते हैं, बटाटा नहीं डालते, डालने का नहीं, मम्मी कोई खाते नहीं। यहाँ पर कोई आलू नहीं खाता है, इसलिए हम लोग आलू इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। आलू आप लोग चाहो तो आलू भी इसमें ऐड करें। आलू डालने करेंगे तो पहले फ्राई, तेल फ्राई होता ना, गर्म होता है, उसमें आलू फ्राई करके अलग से रखने का, आधा फ्राई में पकाना, पका के ये स्टेज में इसमें डाल देने का। इसका ऑयल देखो फ्रेंड्स, पूरा रिलीज हो चुका है। इस तरीके से पूरा ऑयल को रिलीज करना है। सबसे पहले तो पूरा ऑयल ऊपर आ गया, ये देखो। उसके बाद क्या करने का, थोड़ा सा पानी,
पौना ग्लास पानी डाली, तो पानी थोड़ा अच्छा बॉईल होना चाहिए, हिलाने का नहीं, हिलाएंगे तो बॉईल होने के बाद ही हिलाना। इसको बॉईल होने देते हैं अभी पानी को, फिर मैं आपको बताती हूँ। एक ग्लास पानी डाली, पूरा एक ग्लास पानी इसमें गया है। पानी डालने के बाद में नमक भी टेस्ट करना है, नमक बराबर है कि नहीं, अगर कम पड़े तो फिर वापस से ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल बराबर है। अभी पानी बॉईल हो रहा है, पानी अच्छा उठा ना, उठने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला डालने का, अभी इस स्टेज में गरम मसाला अभी डाल के ये अभी हम लोग ऐड कर रहे हैं चिकन मसाला, थोड़ा सा डालना, बाद में आधा डालेंगे। हाफ टी स्पून डाले लेंगे, हाफ टी स्पून से कम है। अच्छा, कम डालने का, फिर बाद में सब पकने के बाद और भी एक बार चिकन मसाला डालना पड़ेगा, क्यों बोलते ये पकेगा, पकने के बाद ये खुशबू चले जाता, उसके बाद फिर अच्छा ढक्कन मूछ के बंद करके, अच्छा पकने दो। अभी 10 मिनट तक इसको हम लोग ने ढक कर पकाए, ढक कर पकाने के बाद में अभी ये देखो इस तरीके से हो चुका है। मैं काम कर रही इसमें ना, ये थोड़ा सा बारिश डालती, थोड़ा बारिश के साथ पकाना। ये है ना, ये नारियल का साथ और पीसना, नारियल पीस के रखी थी मैं, फिर वापस से बरिस्ता भी इसमें मिक्स करके और भी पीस, और इसको वापस से पीसूंगी मैं। ऐसा नहीं, ये 4 टेबल स्पून नारियल, नारियल का कच्चा नारियल, एक 2 बरिस्ता, 2 कांदे का बरिस्ता, ये वापस पीसने, उसमें ग्रेवी मंगता ना। अभी इसमें सब नारियल वगैरह सब डालने के बाद में थोड़ा पानी इसमें और ऐड करेंगे। ये साइड का है ना, निकाल रही ना, और थोड़ा पानी, पानी के हिसाब से सारा है ना ये, और कड़ा पकने दो, अभी 10 मिनट पकना चाहिए नारियल डाल के, डालने का थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर डालने का। नमक देख रहे, बराबर नमक है ना, अभी उसको 5 मिनट ढककर पकाने का, पकने के बाद तेल पूरा ऊपर आना चाहिए। क्या ये हाल में है, ये 2 मिनट के बाद में फिर ये इसको ओपन किया हम लोग ने, और भी ये पक चुका है, पक चुका है, लेकिन अभी भी बाकी है, नहीं पका अभी तक, पक्का है लेकिन इसको थोड़ा स्लो करके रखना पड़ेगा, स्लो करके रखे तेल ऊपर आएगा ना, फिर कोथिंबीर डालना, ऑयल अभी भी ऊपर नहीं आया, ऊपर आएगा।
थोड़ा सा कोथिंबीर डाल के ये सिंपल झटपट बनने वाला चिकन का सालन है। सिंपल रेसिपी है, मतलब बेसिक मसालों के साथ में ये बना हुआ रेसिपी है। बहुत ज़्यादा कुछ भी मसाले इसमें ऐड नहीं है, जो घर पे इजीली अवेलेबल है उन्हीं मसालों के साथ ये रेसिपी हम लोगों ने बनाई है। आप लोगों को भी अगर एक बार बना के देखो, आप लोग भी एक बार ये रेसिपी बना कर देखो घर पे और कैसी बनी, आप लोगों से भी टेस्टी बनी या नहीं और एक बार वो भी कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसा रहने दो, उसका बाद है ना, फिर हम लोग अभी दो मिनट के बाद बता अभी भी नहीं पकी। पक्का पक चुका है, ऑयल भी रिलीज हो चुका है इसका।